फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग का शायद देख सकते हो कोलकाता के एयरपोर्ट से हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा ट्रैवल स्टार्ट होने वाला है, तो ट्रैवल हमेशा एज यूजुअल मोहित के साथ ही हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जयपुर, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन जयपुर नहीं है, फाइनल डेस्टिनेशन है जैसलमेर। अब मैंने बताया भी है इससे पहले, तो हम लोग अभी एयरपोर्ट में आ गए, सिक्योरिटी वगैरह चेक हो गया, अभी थोड़ा भूख लगा है, लाउंज जाते हैं, कुछ खाते हैं, खाने के बाद मिलते हैं। तो ये देख सकते हो यही हमारा अभी लंच होने वाला है, लच्छा पराठा, पापड़ और ये तड़का, और साथ में ये चाय मैंने ले लिया है। तो चलिए फटाफट फिनिश करते हैं, भूख बहुत तेज का लगा है, फिनिश करने के बाद मिलते हैं। तो लंच वगैरह हो गया है डन, थोड़ा बहुत तेज का भूख लगा था, तो वो पराठा तड़का खा के थोड़ा शांति मिला। तो अभी हमारे फ्लाइट में काफ़ी टाइम है, 1:30 बजे का बोर्डिंग है और 2 बजे का फ्लाइट है। तो अभी टाइम है, जब हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा तभी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। फाइनली हम लोग लंच वगैरह करने के बाद हम लोग फ्लाइट के अंदर आ गए। वैसे हमारा जो ट्रैवल होने वाला है ना, स्पाइस जेट से होने वाला है, वो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, और हमेशा की तरह विंडो से मिल गया मुझे, तो कुछ करने का, कुछ दिखाने का तो ऐसा कुछ रहेगा नहीं। वैसे भी नींद पूरा मेरा हुआ नहीं है, तो आराम से मैं सोने वाली हूँ। अगर कुछ शॉर्ट्स होंगे तो दिखा देंगे, तब तक ये ब्लॉग पे बने रहिए। सो गाइस, फाइनली हमारा फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी। सो रनवे की तरफ जा रहा है हमारा फ्लाइट। और खाने की मैं बात करूँ तो खाना प्राइस के हिसाब से मैं जज नहीं करूँगी, टेस्ट के बारे में अच्छा था। और अभी हम लोग जा रहे हैं जयपुर, जयपुर से हमारा फाइनल डेस्टिनेशन अभी टाइम है, और फाइनली हम लोग टेक ऑफ अभी कर रहे हैं। तो चलिए अच्छे से टेक ऑफ करते हैं, जब हम लोग लैंड हो जाते हैं जयपुर में तभी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। और फ्लाइट में अगर कुछ खाने वाने का लेते भी है तो वो भी आप लोगों को बता देंगे। फिलहाल ट्रिप को एंजॉय करते हैं, और काफ़ी दिनों के बाद हमारा ट्रिप स्टार्ट हो रहा है तो काफ़ी एक्साइटेड भी है। तो चलिए अब डायरेक्ट मिलते हैं लैंडिंग के टाइम, तब तक आप लोग कुछ ब्यूटीफुल शॉट्स एंजॉय करो। और शॉट्स कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो का अपना फेवरेट पार्ट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब डायरेक्ट लैंडिंग के टाइम में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय कोलकाता, सी यू सून। सो आप लोग भी शॉर्ट्स एंजॉय करो गाइस। वैसे तो सेफली हम लोग फ्लाई कर चुके हैं, तो चलिए अब इस विंडो के शेड को बंद करते हैं, अब विंडो शेड डायरेक्ट जयपुर में ही ओपन होगा। सो गाइस, फाइनली हम लोग जयपुर पहुंच चुके हैं, और देख सकते हो लैंडिंग होने की तैयारियां हो रही हैं। इन शॉर्ट बोल तो लैंडिंग ही कर रहे हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि विंडो शेड को ओपन क्लोज करते हैं, डायरेक्ट ओपन करेंगे जयपुर लैंड करके। तो फाइनली हम जयपुर लैंड कर चुके हैं, और थोड़ा फॉग ज़्यादा हो रहा है, हो रखा है, तो जिसके वजह से थोड़ा नीचे का जो व्यू है ना क्लियरली दिख नहीं रहा है। खैर कोई बात नहीं, पिंक सिटी में हमारा स्वागत हो चुका है। और वैसे हमारा जो जर्नी है ना 2-2.5 घंटे का था, जिसमें मैं ज़्यादा टाइम सो ही गई थी, और कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि नींद बहुत तेज का आ रहा था। खैर कोई बात नहीं, आप लोग ये व्यू देखो, एरियल व्यू जयपुर का, जो कि काफ़ी बढ़िया खूबसूरत लग रहा है। मैं आप एक वर्ड्स में बयान नहीं कर सकती, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग को ये एरियल व्यू जयपुर का कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। कमेंट बॉक्स अपने थॉट्स ज़रूर शेयर किया करो यार। और देख सकते हो बस हम लोग मतलब सेफली लैंड भी कर रहे हैं जयपुर, और काफ़ी खूबसूरत मुझे दूर से दिख रहा है, सनसेट भी हो रहा है, क्योंकि राजस्थान में लेट से सनराइज़ और सनसेट भी होता है, तो सनसेट का भी मज़े लेते हैं। चलिए अपना बैगेज वगैरह क्लेम करने के बाद आप लोगों से मिलते। जैसे कि मैं गाइस बता रही थी ना, सनसेट के टाइम हम लोग लैंड किए हैं, तो फाइनली मैं सही मेरा गेस था, और देख सकते हो सामने सनसेट भी हो रहा है। तो एक काम करते हैं, अच्छा सा आप लोग ये सनसेट का व्यू तो नहीं बोल सकते हैं, ये शॉट इन्जॉय करो, बैगेज वगैरह क्लेम करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, तब तक ले स्टे ट्यून गाइस। और ये जो लैंडिंग होता है ना काफ़ी डरावना टाइप होता है, लोग पूरे कांपने लगते हैं, ऊपर से मैं भी कांप रही थी, देख सकते हो मेरा कैमरा भी शेक हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये सनसेट आप लोगों को मेरे को दिखाना था, देखा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फाइनली अभी बैगेज क्लेम करने के बाद ही आप लोगों से मिलते हैं। वैसे मैंने काफ़ी बार रिपीट भी करे, तो इसको लेकर जज मत करना आप लोग प्लीज़। फाइनली हम लोग जयपुर लैंड कर चुके हैं, और फ्लाइट में बात करूँ तो जो 2-2.5 घंटे का जो फ्लाइट था ना, उस सो ही गई थी क्योंकि नींद पूरा नहीं हुआ था। बाकी जयपुर लैंड कर चुके हैं, देखते हैं जैसा जो करेंगे बताएंगे। तो जयपुर एयरपोर्ट कुछ ऐसे एयरपोर्ट है, बाकी कैब का बुक हो रहा है, जाते हैं होटल पहुँच के वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो
तो जयपुर लैंड करते ही होटल में बैगेज वगैरह हम लोगों ने रखा और निकल गए जयपुर की सैर करने के लिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो मैंने मोहित को कहा कि मुझे हवा महल देखना है, क्योंकि लास्ट टाइम में मैं आई थी तो हवा महल मैं नहीं देख पाई थी। तो मैंने कहा कि चलो हवा महल थोड़ा देख लेते हैं और चाय वगैरह भी पी लेंगे बाहर में। तो बातों बातों हम लोग पहुँच भी चुके हैं हवा महल के पास, तो चलिए टोटो से उतरते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हवा महल, जैसे कि देख सकते हो, और अच्छे से व्यू मैं कैफे से दिखाती हूँ, बाकी देख लो हवा महल। बाकी की बात है, पहुँच कैफे में बैठ के अच्छे से करते हैं। हम लोग अभी आ गए चाय कॉफी पीने के लिए द विंग व्यू कैफे में, और जिस कैफे में बैठे हैं ना वहाँ से हवा महल काफी खूबसूरत सा दिख रहा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, बाद में आप लोगों को बता रही हूँ। कुछ दिन पहले दुर्गा पूजा पंडाल हम लोग घूमने के लिए निकले थे, हावड़ा में हम लोगों ने हवा महल थीम बेस्ड पंडाल देखा था, और अभी रियल में हवा महल के सामने बैठ के हम लोग कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। वैसे मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा रही हूँ तो हवा महल दिखता कैसा है, रियल वाला हवा महल दिखता कैसा है। तो ये देख लीजिए, कुछ ऐसा दिखता है, और डिट्टो ऐसा ही बना था ना हमारे हावड़ा में भी, पूरा डिट्टो कलर वगैरह लेके सब कुछ एकदम बिल्कुल सेम था। मैं आपको और क्लोज से दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए, कुछ ऐसा दिखता है हवा महल, काफ़ी खूबसूरत है। वैसे मैं जयपुर इससे पहले भी आई हुई थी, तो बस हम लोग उदयपुर आए हुए थे ट्रेन पकड़ने के लिए। काफ़ी खूबसूरत लगा वैसे मुझे जयपुर, मन कर रहा और दो दिन रुक जाऊँ यहाँ पे। तो गाइस देख लीजिए, ये मोहित का कोल्ड कॉफ़ी, और यही कैफ़े का नाम है वाइन व्यू कैफ़े, और ये मेरा चाय, क्योंकि मेरा इवनिंग का आदत है इवनिंग चाय पीने का। तो ये चाय, और चाय के साथ साथ ये ब्यूटीफुल नज़ारे, क्या ही कहने। तो चलिए इस नज़ारे के साथ अपना चाय इन्जॉय करते हैं, अगर कुछ खाते हैं तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। सो गाइस, फाइनली अपने होटल में आ गए हैं, और हवा महल के मैं बात करूँ तो हवा महल काफी अच्छा लगा घूम के, और वहाँ का जो हम लोगों ने पिज्जा चाय कॉफी सब कुछ ट्राई करा, काफी अच्छा लगा। और पर्सनली बोलूँ तो जयपुर मुझे काफी अच्छा लग रहा, मन कर रहा अभी दो दिन और रुक जाए, बट दो दिन नहीं रुक सकते। और उसके बाद हम लोग गए थे हांडी रेस्टोरेंट, जो कि वहाँ का हम लोगों ने मटन ट्राई करा, कुछ मांस कुछ नाम कुछ था, मैं भूल गई नाम, मोहित के वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा लगा टेस्ट करके, तो पेट तो अच्छा खासा भर गया है। कोलकाता से तो हम लोग जयपुर आए, अभी यहाँ से हम लोग कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, जैसा जो होगा आप लोगों को मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, इस वीडियो को यहीं एंड करते। आई होप कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, और मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या है कि मेरे चैनल से रिलेटेड ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में कुछ न्यू कॉन्टेंट साथ, तब तक के लिए बाय।